ये देखो भैया, बुलेट पूरी की पूरी ओके है, बस चला के ले जाओ। साइलेंसर चेंज है, बैंड पाइप चेंज है, सब कुछ चेंज है, कोई भी एक रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। चाबी ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसे करना है इसको, अगर आपकी चाबी निकल गई ना, भूल के मत लेना उस बाइक को जिसमें यहाँ पे आपको वेल्डिंग के निशान लिख जाए। तो ये दांते अगर टूट रहे हो ना आपके, कट रहे हो, छोटे बड़े हो, तो समझ लो भाई आपका चैन सटक आना आपकी बाइक के अंदर। हेलो गाइस, दिस इज V4 बुलेट और आज भाई आपको बताएगा कि हाउ टू बाई अ सेकंड हैंड रॉयल इनफील्ड। आप सभी भाइयों का डाउट रहता है कि भाई एक सेकंड हैंड रॉयल इनफील्ड को आप कैसे परचेज कर सकते हो, उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको जो है ध्यान रखने चाहिए, या आपको एक बाइक लेने से पहले उसमें आपको क्या चीज़ देखनी चाहिए जिससे कि आप एक अच्छी बाइक परचेज कर सको। भाई न्यू बाइक लेना तो आजकल कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि नई बाइक आप सभी को पता है कि कैसी कर दी है कंपनी वालों ने, तो सेकंड हैंड रॉयल इनफील्ड की तरफ ही पब्लिक जो है ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है फिलहाल। तो इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर जो भी भाई ये वीडियो देखे उसके मन में एक भी डाउट ना रह जाए कि भाई कैसे एक सेकंड हैंड रॉयल इनफील्ड को परचेज कर सकते हो। तो भाई ये सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले भाई आपको बुलेट देखनी है और उसके ऊपर बैठना है। बैठने के बाद भाई आपको सबसे पहले ना उसकी टेस्ट ड्राइव लेनी है। टेस्ट ड्राइव लेते हुए आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, तो आपको भाई 30-40 की स्पीड करके आपको जो है अपनी बाइक का हैंडल छोड़ना है, उसकी बैलेंसिंग देखनी है कि भाई उसका बैलेंस कैसा है। अभी देखो मेरी बाइक बिल्कुल सेफ चल रही है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि भाई ये नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है। अगर आपकी बाइक भाई टेढ़ी मेढ़ी भागती है ना, तो इसका मतलब उसका चिमटा मुड़ा हुआ है, और उसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि भाई उसका चिमटा मुड़ने का कारण कि वो बाइक एक्सीडेंटल हो सकती है। दूसरी चीज़ आपको क्या नोटिस करनी है मैं बताता हूँ। दूसरी चीज़ आपको नोटिस करनी है आपका फुट रेस्ट, आपका लेफ्ट और राइट का फुट रेस्ट आपको देखना है, और आपके वहाँ से ना आपको अगर पैर रखोगे ना तो गियर लीवर पर, लेफ्ट राइट आपको गियर लीवर पर पैर रखना है और राइट साइड आपको अपने ब्रेक पैडल पर। सर पैर रखने के बाद भाई आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि आपके जो फुट है यानी कि आपके जो पैर है वो कुछ टेढ़े मेढ़े तो नहीं भाग रहे, क्योंकि आपकी जो ये जो फुट रेस्ट की किल्ली होती है ना भाई, बाइक वगैरह गिरती है ना तो ये टेढ़ी हो जाती है, तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि भाई ये टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। अगर आप टेढ़ी होगी ना तो आपको अलग से फील पता लग जाएगा बैठने के बाद, जब आप पैर रखोगे फुट रेस्ट के ऊपर, कि भाई ये टेढ़ी है या बाइक गिरी हुई है। तो भाई आपको चलाते वक्त तो आपको ये चीज़ें नोटिस करनी है, और एक चीज़ और नोट करनी है आपको चलाते वक्त, वो है इसकी इंजन का साउंड। हमारी बाइक की इंजन का साउंड भाई एकदम साइलेंट है, लेकिन वो भाई आपको सब बाइक में नहीं मिलेगा। खैर उसमें हमने कुछ सिस्टम करवा रखा है ओल्ड बुलेट वाला, इस वजह से हमारे का जो है साउंड ऐसा आ रहा है, लेकिन आपको जो है फिर भी एक साउंड थ्रोटल देकर थोड़ा सा चेक करना है। मैं थ्रोटल देकर दिखाता हूँ, ऐसे करके आप थ्रोटल देकर छोड़ोगे ना तो सिर्फ आपको एग्जॉस्ट का साउंड सुनना चाहिए भाई, कोई भी बेफालतू की किट किट पिट पिट जो है आपको करंट वगैरह की साउंड या फिर टैपर की नॉइज आपको नहीं आ रही चाहिए बाइक के अंदर। तो ये चीज़ आपको भाई आपको बाइक चलाते हुए ध्यान रखनी है, और हॉर्न वगैरह आप चेक कर सकते हो, इंडिकेटर्स वगैरह, बाकी ये आप बाइक रोक के भी चेक कर लेना भाई। और आप भाई जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो आपको बाइक खड़ी करके दिखाता हूँ मैं कि आपको भाई क्या क्या चीज़ नोट करनी पड़ेगी एक बाइक लेने से पहले। सो दोस्तों, ये है अपनी बुलेट 350 स्टैंडर्ड जो कि 2019 मॉडल है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई सबसे पहले अगर आप रॉयल इनफील्ड लेने जाते हो ना, मान लो आप किसी डीलर के गए, आपके सामने एक रॉयल इनफील्ड खड़ी है, तो आपको भाई सबसे पहले तो उसमें ना ये देखना है कि आपकी जो टैंक है ना इस बुलेट की, इसमें कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, क्योंकि भाई इसकी जो पहचान, इसकी जो सुंदरता है ना, वो उसकी टैंक होती है भाई, और ये आपको स्क्रैचलेस लेनी है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि आपको इसका लोगो देखना है, इसमें कोई जो है आपको कट वगैरह या स्क्रैच वगैरह ना हो इसके लोगो में। बाइक गिर जाती है ना तो भाई सबसे पहले इस लोगो के अंदर घिसट लगती है, तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि अगर आपका लोगो क्लीन है ना, कि भाई आपकी बाइक जो है कभी नहीं गिरी हुई। इससे थोड़ा बहुत, पूरा तो अंदाज़ा नहीं लगता, थोड़ा बहुत लग जाता है। उसके बाद भाई आपको अपना मीटर क्लस्टर देखना है, आपका मीटर वगैरह की लाइट वगैरह सब चल रही है, आपके जो स्विचेज वगैरह सारे प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। एंड फिर आपको जो है भाई अपनी चाबी ऑन करनी है, चाबी ऑन करने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसे करना है इसको, अगर आपकी चाबी निकल गई ना तो समझ लो भाई आपका जो मीटर, इसका हैंड इधर से इग्निशन का जो लॉक है ना वो ख़राब है, आपको ये चीज़ चेंज करवानी पड़ेगी वरना आपकी बाइक चोरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड भाई बंदे कहते हैं कि भाई 8000 किलोमीटर बाइक चल रही है, 7000 चल रही है, तो भाई इस बहकावे में कभी मत आना, सबसे बड़ा बहम है ये, इस बहम को आज ही निकाल दो, क्योंकि मीटर जो है भाई पीछे कर देते हैं डीलर जो है, 90% डीलर मीटर को पीछे करके ही अपनी बाइक सेल करते हैं। कोई नहीं चाहेगा कि भाई कोई दिखाएगा कि मेरी बाइक 50000 किलोमीटर चल रही है, 7-8000 किलोमीटर कर देते हैं और बेच देते हैं, तो इस बहकावे में मत आना। बुलेट जो वैसे भी है ना भाई, किलोमीटर से नहीं पता लगता इस कंडीशन का,
उसकी देखने से, उसकी केयर से, उसकी मेंटेनेंस से बता सकते हो आप, वरना नहीं बता सकते। एंड भाई अब दूसरा अगर मैं मेन पॉइंट बताऊँ आपको, तो आपको ना सारी की अपनी चेसी वगैरह देखनी है, जो जितनी भी बारीक चीज़ है ना आपकी चेसी में, सारी चीज़ देखनी है आपको, कि रस्ट वगैरह का ना हो कहीं। कार्बोरेटर देखना भाई कि क्लीन हो गया एकदम आपका। इधर से भाई देखो, जैसे अपना यहाँ से ये एयर फिल्टर का बॉक्स यहाँ से थोड़ा सा पेंट कट रहा है, ये सब चीज़ आपकी क्लीन हो एकदम, कोई रस्ट वगैरह ना लग रहा हो, ज़्यादा डैमेज ना हो, डेंट ना हो। इधर से आपकी डिग्गी के लोगों भी देखना भाई प्रॉपर हो एकदम। एंड भाई इधर से आप देखोगे ना कि आप कहते हो कि भाई ये कैसे पता करें कि भाई इंजन खुल रहा है नहीं खुल रहा, वो बताता हूँ आपको आज मैं। तो आपको ना अपने नट वगैरह देखना है इंजन के सारे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इन पर अगर चाबी के निशान आ जाए, यानी कि चूड़ी स्लिप हो रखी है ना, तो समझ लो भाई आपके इंजन में कभी ना कभी काम हुआ है या आपका इंजन खोला गया है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हो, अदरवाइज़ नहीं समझ सकते। इंजन ऑयल वगैरह भाई कोई मैटर नहीं करता, देखना हो तो इधर से आपको जगह मिलती है। आप बाइक थोड़ी देर एक मिनट चला के बंद करके बीच के स्टैंड पे लगा के देख सकते हो कि आपका इंजन ऑयल जो है वो कितना साफ है या गंदा है। अब भाई मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, जो कि है इसका चैन सेट, कि भाई चैन सेट कैसे पता लगा कि भाई चैन सेट इसका ठीक है या ख़राब है। तो आपको ना अपनी बाइक थोड़ी सी घुमा के देखनी है, इधर से ना आपको टीथ दिखेंगे, ये जो चैन सेट के दांते जिसको बोलते हैं हिंदी में बोलूँ तो ये दांते अगर टूट रहे हो ना आपके, कट रहे हो, छोटे बड़े हो, तो समझ लो भाई आपका चैन सेट का काम है आपकी बाइक के अंदर। उस बाइक को अवॉइड कर देना भाई, और वरना उसके फिर रेट कम करवा लेना, ताकि आप एक नया चैन सेट अपनी बाइक में डलवा सको। अब भाई मैं अगले पॉइंट की बात करता हूँ, वो है इसका एग्जॉस्ट। तो भाई बंदे कहते हैं, डीलर साहब कहेंगे आपको, ये देखो भैया बुलेट पूरी की पूरी ओके है, बस चला के ले जाओ, साइलेंसर चेंज है, बैंड पाइप चेंज है, सब कुछ चेंज है, कोई भी एक रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। भाई भाई सावधान हो जाना, उस भाई से कह देना कि भाई हमें नहीं चाहिए ये सब, हमें तो ओरिजिनल बैंड पाइप दे, ओरिजिनल साइलेंसर दे। जितने की ये दोनों चीज़ें हैं ना, उतने का अकेला, उससे ज़्यादा का, तीन गुना ज़्यादा का अकेला बैंड पाइप आएगा इसका। तो इसलिए ओरिजिनल चीज़ें हमेशा ज़रूर लेना अपनी बाइक के साथ में। हैंडल भाई आपका ओरिजिनल होना चाहिए, स्टैंडर्ड ले रहे हो तो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्लासिक ले रहे हो क्लासिक का होना चाहिए। मैंने चेंज करवा रखा है अपना अपने स्वाद के अनुसार भाई। अगर ओरिजिनल हैंडल की पहचान दिखाऊं तो इधर से आप देखोगे ना, ओरिजिनल हैंडल के यहाँ पे एक ऐसा ही डॉट मिलेगा आपको, जो कि इसका सेंटर करने के लिए होता है, उससे आप पहचान सकते हो कि भाई हैंडल ओरिजिनल है या नहीं है। और जो ओरिजिनल हैंडल की जो क्रोमी क्वालिटी होगी ना भाई, वो भी काफ़ी अच्छी होगी। और भाई पीछे से अगर आप देखोगे ना अपनी बाइक को, तो आपको टायर की अलाइनमेंट चेक करनी है कि आपका टायर एकदम सेंटर में है या नहीं है, और टायर थोड़ा सा घुमा के देखना है कि टायर में कोई बबलिंग वगैरह तो नहीं है। अगर भाई ऐसा है तो आपकी बाइक में काम है या आपकी बाइक में दिक्कत है। उसके बाद भाई आपको जो है ना अपना रेयर वाला मडगार्ड चेक करना है। इधर से आप नीचे से देखे देखना कि भाई इधर आपको रस्ट तो फील नहीं हो रहा। एंड इधर से आप रिफ्लेक्टर के पीछे देखोगे ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्टर ऐसे कर लेना मोड़ के ऊपर। एंड इधर से देखना आपको भाई, मेन चीज़ ये मडगार्ड में सबसे पहले जंग लगता है। तो अगर आपके मडगार्ड जो है रस्ट फ्री है ना, तो आपकी बाइक जो है बहुत अच्छी कंडीशन की मानूंगा मैं। तो आपको वही बाइक परचेज़ करनी है जिसके आगे वाले और पीछे वाले मडगार्ड में कहीं भी रस्ट ना हो, और रस्ट तो भाई होना ही नहीं चाहिए आपकी बाइक में कहीं पे। छोटे छोटे जो बारीक चीज़ है ना, जैसे ये यहाँ से आपका जॉइंट है जहाँ पे आपका ये शोकर लगा हुआ है, एंड इधर से जो प्लेट दिख रही है आपको शोकर के ऊपर की, कहीं भी भाई जंग नहीं होना चाहिए बस आपकी बाइक में, ये चीज़ देखना ध्यान से। इधर से भाई चेसी देखोगे, इधर से चेसी टूट जाती है लोगों की, वेल्डिंग कवर रखते हैं, भूल के ही मत लेना उस बाइक को जिसमें यहाँ पे आपको वेल्डिंग के निशान लिख जाए, कभी मत लेना उस बाइक को। उसकी यानी कि चेसी कमज़ोर हो चुकी है भाई, डैमेज हो चुकी है वो बाइक पूरी तरीके से, उस बाइक को अवॉइड करना। इंजन भाई इधर से देखोगे एकदम क्लीन होना चाहिए, इंजन में कोई भी इंजन ऑयल वगैरह कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए अपना, देखो एकदम क्लीन इंजन है। एंड अब भाई मैं आपको बताता हूँ इधर से फ्रंट लुक, नंबर प्लेट देख रहे हो भाई ओरिजिनल, दोनों तरफ की नंबर प्लेट आपको लगी होनी चाहिए आपकी बाइक में, डुप्लीकेट वाली नंबर प्लेट नहीं चलेगी। फ्रंट वाला मडगार्ड भी भाई देखना है कि आपको यहाँ पे स्क्रैच वगैरह तो नहीं लग रही, मेरे पे लग रही है पर ये टेपिंग है। सेम एज आपने जैसे पीछे चेक किया था भाई, इधर से भी आपको साइड में से अपने फ्रंट वाले मडगार्ड में रस्ट वगैरह चेक करना है। इधर से ये चीज़ कि यहाँ पे रस्ट चेक करना है, यहाँ पे नट वगैरह पे जो फ्रेम है यहाँ से चेसी का, इसमें भी आपको रस्ट देखना है। हॉर्न वगैरह भाई बजा के देख लेना है आपको, की ऑन करके कि वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। एंड भाई इधर से जो हेड है ना, इधर से अपने हेड के ऐसे ही हर्ट जैसी जो शेप है, ये चीज़ देखनी है आपको फिर अपनी चाबी निकालने के बाद। कोई भाई अपने ना लोहे के छल्ले डाल देते हैं, उससे ये चीज़ रगड़ खा खा के भाई ऐसे पेंट हट जाता है, तो भाई वो चीज़ ना बेकार लगती है। मेरी बाइक देखो आप, एक भी जगह से पेंट इसका उखड़ा हुआ नहीं है, एकदम ओरिजिनल बाइक है, ओरिजिनल पेंट है। तो आपको क्लीन पीस लेना भाई एकदम, जहाँ से इसमें ऐसे पेंट वगैरह ना उखड़ रहा हो। और अपने बाइक पे ये भी देखना है आपको कि बाइक के पेंट में
ट्रेड ना आ रही हो, अगर उसमें क्रैक आ रही हो ना, तो समझ लो भाई आपकी बाइक की अच्छी तरीके से ऐसी तैसी हो रखी है, धूप में खड़ी होके बारिश में खड़ी होके उसकी कदर नहीं कर रखी थी, तो उससे वो चीज़ साबित हो जाएगी। पीछे जाके दिखाता हूँ भाई, ऑल ओवर लुक एकदम शाइन कर रही है अपनी बाइक, कहीं भी रस्ट नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें भाई मेन आपको देखनी है अपनी बाइक में एक सेकेंड हैंड रॉयल इनफील्ड लेने से पहले। अब भाई बात आती है कि साउंड की, साउंड कैसे चेक करेगी भाई साउंड अच्छा है बुरा है, कुछ दिक्कत है नहीं है, तो मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। देखो भाई बुलेट चालू हो गई अपनी, आपको ना थोड़ी सी रेंज देकर देखनी है। रेस के लिए भाई अब आपको अपना इंजन के पास बैठना भाई। अब इसके साउंड सुनो, कुछ भी आपको टैपेट की साउंड आ रही हो, कुछ भी आपको इसके क्रैंक की साउंड आ रही हो, मैनुअल डिकम्प्रेसर की साउंड आ रही हो, तो भाई तुरंत जो है चौकन्ना हो जाना कि इसमें कुछ अंदर गड़बड़ है। अभी अपना इंजन देख लो भाई, बिल्कुल साइलेंट है। ऐसा ही इंजन आपको अपनी बाइक में लेना है, इसकी ट्यूनिंग परफेक्ट है, इसका साउंड परफेक्ट है। अब मैं आपको पीछे जाके इसका एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हूँ। ये देखो हम्प देखो कैसी आ रही है, एकदम ओल्ड मॉडल जैसी। उसके बाद ना भाई आपको हाथ रखना है अपने एग्जॉस्ट पे, फिर ऐसे साउंड सुनो। अब आ रही है कुछ इंजन की आवाज़? कुछ नहीं आएगी भाई, एकदम परफेक्ट इंजन है। तो ऐसी ही बाइक आपको एक परचेज करनी है भाई सेकेंड हैंड, जब आप लेने जाओ मार्केट में। तो भाई इतना ही बताना था आज की वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक कर देना, मतलब वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपने भाई का चैनल। आने वाले टाइम में भाई बढ़िया बढ़िया गिवअवे भी रखेंगे आप लोगों के लिए। एंड भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।